क्या नमाज में 3 बार से ज्यादा कुरान भूलने पर नमाज दोहरानी पड़ेगी? देखिए, नमाज में अगर कोई कुरान भूल रहा है, चाहे एक बार भूले, 2 बार भूले, 3 बार भूले, जितनी बार भी भूले, उसे नमाज दोहराने की जरूरत नहीं है। अगर कोई इमाम है और किरत में कुरान वो भूल जा रहा है, तो पीछे जो लोग खड़े हैं मामूमी, वो उसको लुक्मा देंगे ताकि वो आगे पढ़ सके। और अगर कोई, फर्ज कीजिए, कभी ऐसा हो सकता है कि पीछे कोई ऐसा आदमी नहीं है मुक्तदीन में से जो कुरान का हाफिज हो या जो लुक्मा दे सके, अगर ऐसी सूरत हाल है और इमाम अटक गया है, वो आगे नहीं उसको याद आ रहा है, तो वहां से छोड़ करके फिर कहीं और से शुरू कर सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो भूल गया तो वहीं पर सजदा कर दे, रुकू पे चला जाए। अगर वो रुकू में जाना चाहे तो जा सकता, अगर वो कुरान कुछ पढ़ चुका है अब रुकू में जाना चाहे तो जा सकता है, लेकिन अगर वो चाहे तो दूसरी जगह से वो कुरान को पढ़ सकता है। लेकिन अगर पीछे कोई ऐसा इंसान है जिसे वो आयत या वो आयतें याद हैं, तो वो वहां पर लुक्मा देगा ताकि वो उससे आगे पढ़ सके। और ये अगर एक बार हो, 2 बार हो, 3 बार हो, जितनी बार भी हो, नमाज को नहीं दोहराना है, नमाज नहीं दोहराना है उसे।